डेटा साइंस सीखने के लिए आपको डेटा को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है डेटा समझेंगे तो डेटा को एनालाइज कर पाएंगे इस लेक्चर में हम यही कुछ सीखने वाले हैं कि किस तरीके से डेटा को समझ सकते हैं और पाइथन में कौन कौन सी डेटा स्ट्रक्चर्स की टाइप होती है तो सबसे पहली बात यह है कि जब आप डेटा कलेक्ट कर लेते हैं डेटा आपके पास आ गया देन यू कन्वर्ट दैट डेटा डेटा इन टू डेटा फ्रेम अब डेटा फ्रेम जो है वो पाइथन के अंदर यूज होते हैं लेकिन पाइथन सिर्फ डेटा फ्रेम में नहीं बल्कि देर आर मेनी अदर टाइप्स ऑफ डेटा डेटा स्ट्रक्चर जिसके तरीके से पाइथन को स्टोर करता है अब वो कैसे स्टोर करता है चलिए इस लेक्चर में देखते हैं स्क्रीन आपके सामने हाजिर है इस लेक्चर का नाम है डेटा स्ट्रक्चर्स इन पाइथन डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होती हैं पाइथन के अंदर जो डेटा स्ट्रक्चर्स होती हैं आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनी रोबस्ट एंड एफिशिएंट प्रोग्रामिंग सॉल्यूशन जब आप किसी डेटा को स्टोर करते हैं ऑफ कोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अकेली कुछ भी नहीं होती जब तक आपके पास डेटा ना हो और उस डेटा के बेस पे सब कुछ चलता है सो so, जब भी आप किसी डेटा को स्टोर करते हैं उसका रोबस्ट होना उसका एफिशिएंट होना प्रोग्रामिंग सॉल्यूशन की गारंटी देता है ठीक है अब डेटा को स्टोर करने के लिए जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं These blocks, हम स्ट्रक्चर्स बोलते हैं प्ले अल रोल इन ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग डेटा मेकिंग आर कोड मोर ऑर्गेज ऑप्टिमाइज एंड स्केलेबल फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई डेटा है फॉर एग्जाम्पल आपके पास नंबर्स हैं आपने जब स्टोर किया उन्हें पाइथॉन के अंदर तो वो नंबर जो है वो मेमोरी के ऊपर रहते हैं यानी कि रैम के ऊपर रहते हैं जब आपने उनको किसी वेरिएबल में स्टोर किया वो रैम के ऊपर चलेगी अब वो कितनी एफिशिएंटली रैम के ऊपर स्टोर होते हैं और कितनी एफिशिएंटली हम उसको रिट्रीव कर सकते हैं ये हमारे पाइथन प्रोग्रामिंग की स्पीड को बढ़ाता है ठीक है अब डेटा जितना छोटा होगा उतना ज्यादा स्पीड ही पाइथन काम करेगा और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छे से काम करेगी लेकिन जैसे डेटा बड़ा होता है मिलियंस या बिलियंस की रोज होती हैं तब पता चलता है कि डेटा को स्टोर करने के लिए आपको कौन कौन सी डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर डेटा को स्टोर करना चाहिए यही कुछ इस लेक्चर की बेसिक्स है अब आप देखेंगे हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर की समझ गई विच आर पाइथन डेटा स्ट्रक्चर्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनी रोबस्ट एंड एफिशिएंट प्रोग्रामिंग सॉल्यूशन। कोई भी प्रोग्रामिंग सॉल्यूशन करना आपने ऐप आप है आपने डेटा का एनालिसिस करना मशीन लर्निंग मॉडल बनाना यू नीड टू नो के डेटा स्ट्रक्चर्स कौन कौन सी हैं। एंड पाइथन के अंदर जो डेटा स्ट्रक्चर्स होती हैं अगर उसकी डेफिनेशन को देखा जाए इन पाइथन डेटा स्ट्रक्चर्स आर ओफन यूज या आर यूज टू स्टोर एंड ऑर्गेनाइज डेटा एफिशियंटली मेकिंग इट इजी टू परफॉर्म ऑपरेशन लाइक एक्सेसिंग द डेटा मॉडिफाइंग द डेटा एंड मैनिपुलेटिंग द डेटा सो डेटा जब हम स्टोर करते हैं किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर उसको एक्सेस करना मोडिफाई करना एंड मैनिपुलेट करना ये तीन चीजें उसके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं नाउ इज योर स्मॉल स्मॉल असाइनमेंट कैन यू राइट डाउन के आपको डेटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन में कौन सी तीन चीजें इंपॉर्टेंट लगी हैं दैट विल शो यू शो अस एक्चुअली के अगर आप इसको कौर से सुन रहे हैं चलते हैं जी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ यहां पे आप देखें हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर है और डेटा स्ट्रक्चर की प्रिमिटिव प्रिमिटिव टाइप होती है नॉन प्रिमिटिव टाइप होती है प्रिमिटिव टाइप क्या होती है इसको इंट कैर या करेक्टर बुलियन फ्लोट एंड पॉइंटर ये कुछ टाइप्स हैं जो बेसिक डेटा स्ट्रक्चर की प्रीमेटिव टाइप है फिर हमारे पास नॉन प्रिमेटिव आती है विच इज लीनियर एंड नॉन लीनियर उसके आगे सब डिवीजन हो गई लीनियर के अंदर स्टैटिक एंड डायनामिक है उसके अंदर अरे है लिंक लिस्ट है स्टैक है क्यू है और नॉन लिनियर के अंदर हमारे पास ट्री एंड ग्राफ है ये जो टाइप्स हैं हमारे पास ये डेटा स्ट्रक्चर्स की टाइप है ठीक है प्रिमेटिव के अंदर हमारे पास सिंपली नंबर्स करेक्टर्स बुलियंस फ्लोट या पॉइंटर्स होते हैं ऑन दी अदर साइड वी हैव नॉन प्रिमेटिव जिसके अंदर हमारे पास डिफरेंट किस्म की डेटा स्ट्रक्चर्स होती हैं अब हम देखते हैं प्रिमेटिव डेटा स्ट्रक्चर्स कौन कौन सी होती हैं दीज आर द मोस्ट बेसिक डेटा टाइप्स प्रोवाइडेड बाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर एग्जाम्पल द टिपिकली प्रेजेंट ये आर प्रेजेंट सिंगल वैल्यू एंड आर डायरेक्टली ऑपरेटेड अपॉन मशीन लेवल इंस्ट्रक्शन यानी कि जीरो वन बाइनडरी कोड के थ्रू चलती हैं यहाँ पर हम कंप्यूटर साइंस नहीं देख रहे कि कंप्यूटर किस तरीके से काम करते हैं एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया के डेटा स्ट्रक्चर कैसे होती है सिर्फ फॉर एग्जाम्पल आपने मैंने आपसे आपकी उम्र पूछी ठीक है आपने मुझे बताया कि मेरी उम्र उनतीस साल है ट्वेंटी नाइन ठीक है तो मेरे पास एक नंबर आ गया सिंगल वैल्यू आ गई सो प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर सिंगल वैल्यू पे डिपेंड करती है एक एज का नंबर मेरे पास आया ट्वेंटी नाइन तो ये मेरे पास एक इंटीजर हो गया अगर मैं आपसे पूछूं आपकी हाइट कितनी है? आप बोलेंगे फॉर एग्जाम्पल फाइव पॉइंट एट फीट तो ये मेरे पास फ्लोट नंबर हो गया यानी कि डेसिमल पॉइंट की वैल्यू आ गई फिर मैं अगर आपसे पूछता हूँ आपका नाम क्या है यू विल से फॉर एग्जाम्पल बिलाल तो बिलाल का मतलब ये है कि ये मेरे पास करेक्टर यानी कि मेरे पास कैटेगोरिकल वेरिएबल या मेरे पास करेक्टर जो है वो स्टार्ट हो गया अब नाम को मैं मल्टीपल लेवल्स पे इसको सेपरेट भी कर सकता हूं जिनको अल्फाबेट्स बोला जाता है अगर मैं आपसे पूछूं आपका नाम कहाँ से स्टार्ट होता है आप कहेंगे बी से बिलाल बी से होता है अगर आपका कोई भी नाम है डिफरेंट अल्फाबेट से स्टार्ट होगा वो जो अल्फाबेट है दैट इज कॉल्ड करैक्टर ये भी एक डेटा टाइप है इन फ्लोट करैक्टर हो गया फिर बुलियन है ट्रू और फॉल्स हो गया फिर हमारे पास पॉइंटर्स आते हैं विच आर एक्चुअली द वेरिएबल जो हमें स्टोर करते हैं मेमोरी के ऊपर डायरेक्टली लेट्स ये किस तरीके से सारी काम करती हैं इंटीजर जो है वो होल नंबर होते हैं बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स होते हैं माइनस थ्री भी हो सकता है फोर्टी टू भी हो सकता है एंड दिस कुड बी एनी नंबर फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस ऑफ कोर्स होल नंबर होगा होल नंबर क्या होते हैं जरा गूगल पर सर्च कीजिएगा या विकीपीडिया पर देखिएगा मैथमेटिक्स की बेसिक्स है आपको होल नंबर की समझ आ जाएगी सेकेंड वी हैव कैरेक्टर जिसे हम कैर बोलते हैं या चार भी किसे कहा जाता है अक्सर कैरेक्टर को कैर बोलें तो वो ज्यादा अच्छी बात है सिंगल कैरेक्टर्स फॉर एग्जाम्पल ए बी या वन अब कोटेशन मार्क्स में अगर लिखे जाएंगे तो इनको स्ट्रिंग भी बोला जाता है लेकिन स्ट्रिंग कुड बी कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स तो हम इसे कहेंगे ए बी या वन सिंगल करेक्टर जब हमारे पास आएगा इन द फॉर्म ऑफ कोटेशन मार्क्स तो हम उसे करेक्टर कहेंगे अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे वन भी तो आया ही विच कुड बी एन इंटीजर यस इट कुड बी लेकिन अगर आप कोटेशन मार्क्स के अंदर सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन मार्क के अंदर लिखेंगे देन इट वुड बी अ करेक्टर ठीक है और यूजुअली ये रिप्रेजेंटेड uh, uh, किए जाते हैं यूजिंग एस की टू या ए एस सी टू ए एस सी टू इसे बोला जाता है एस की करेक्टर्स बोला जाता है या इसे यूनिक वैल्यूज के थ्रू हम करते हैं ये कौन से करैक्टर्स हैं अगर आप गूगल करेंगे यू विल अंडरस्टैंड अदरवाइज आई थिंक इट्स इट्स नॉट रियली इंपॉर्टेंट एट द मोमेंट कि आप यूनिकोड वैल्यूज को देखें या एस की या ए ए एस सी ट्रू करैक्टर्स को देखें ठीक है देन हमारे पास आता है बुलियन बुलियन क्या होता है ये बेसिकली ट्रू और फॉल्स होता है ठीक है अब आपने ये देखना है अगर किसी की वैल्यू ट्रू है किसी चीज की या फॉल्स है तो वो बुलियन है हमारे पास ठीक है अब अगर आप देखें ट्रू एक वैल्यू है फॉल्स एक वैल्यू यानी कि कुछ चीज़ नहीं हो रही कुछ हो रही है यस yes या नो no, हाँ या ना ठीक है तो इसको बोलते हैं बुलियन न वी हैव फ्लोट फ्लोट्स आर एक्चुअली नंबर विद डेमल मैंने पहले बता दिया ये माइनस में भी हो सकते हैं प्लस में भी हो सकते हैं पॉइंटर अब पॉइंटर आपको समझने का बहुत जरूरी है पॉइंटर क्या होता है एक वेरिएबल है दैट स्टोर द मेमोरी एड्रेस ऑफ ए नदर वेरिएबल ठीक है यह क्या करता है यह बेसिकली पॉइंट करता है एक वेरिएबल को किसी और वेरिएबल की तरफ ठीक है दिस इज कॉल्ड पॉइंटर अ वेरिएल दैट स्टोर द मेमोरी एड्रेस ऑफ ए नदर वेरिएबल फॉर एग्जाम्पल मेमोरी एड्रेस किसी एक वेरिएबल की जो है यानी कि कहाँ पे कोई वेरिएबल स्टोर है उसको पॉइंट करने वाला यानी कि इशारा देने वाला ओ आ जाए या वो पड़ा हुआ है अगर मैं किसी से पूछूं कि ग्लास कहाँ पे पड़ा या फॉर एग्जांपल मैं किसी से पूछता हूँ कि यार वो मेरा छोटा भाई था यहाँ पे वो कहाँ पे है तो वो कहेगा वो बैठा हुआ है तो वो जो बंदा जैसे मैं पूछ रहा हूँ दैट इज अ पॉइंटर वेरिएबल ओरिजिनल वेरिएबल इज माय ब्रदर ठीक है इशारा करने वाला है कि वो पड़ा हुआ है ही नोज द एड्रेस मुझे नहीं पता मैं उससे पूछ रहा हूँ और ये मुझे पॉइंट करके बता रहा है कि वो पड़ा है ठीक है सो अब आपको समझ आ गई होगी कि पॉइंटर वेरिएबल क्या है पॉइंटर्स आर मोर कॉमन इन लैंग्वेजेस लाइक सी एंड सी सी प्लस प्लस एंड दे अलाउ यू टू वर्क विद मेमोरी डायरेक्टली यूजली पाइथन के अंदर कम यूज होते हैं बट स्टिल दीज आर इंपॉर्टेंट टू नो कि पॉइंटर्स क्या होते हैं ठीक है तो ये हमारे पास प्रिमेटिव डेटा स्ट्रक्चर गए ये मोस्ट बेसिक डेटा टाइप्स होती हैं विच प्रोवाइड्स प्रोवाइडेड बाय द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ठीक है provides, uh, language, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू डिजाइन की जाती है जब वो डिजाइन की जा रही होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज राइट अब नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट है जी हमारे पास नॉन प्रिमेटिव डेटा स्ट्रक्चर्स नॉन प्रिमेटिव डेटा स्ट्रक्चर्स आर मोर कंप्लेक्स एंड कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यूज प्रिमेटिव में है कि आपको एक ही चीज को प्रिमेटिव यानी कि लिमिटेड वे में सिर्फ एक एक करके आ सकते हैं आप लोग इकट्ठे नहीं आ सकते

दो या दो से ज्यादा लोगों को बुला लें दैट इज नॉन प्रेमेटिव डेटा स्ट्रक्चर्स यानी कि ऐसी डेटा स्ट्रक्चर जिसमें कलेक्शन ऑफ प्रीवियस डेटा स्ट्रक्चर्स हूं यानी कि डिफरेंट डेटा को कलेक्ट करके कंप्लेक्स वे में स्टोर किया जाए मल्टीपल वैल्यूज को टुगेदर ठीक है वाइवा वाली एग्जाम्पल याद रखिएगा अकेले बंदे का वाइवा प्लस ज्यादा बंदों का वाइवा इकट्ठा दे आर फर्दर कैटेगराइज इन टू लीनियर एंड नॉन लीनियर टाइप अब इनकी टाइप जो है लीनियर एंड नॉन लीनियर के अंदर डिवाइड हो जाती है लीनियर को देखा जाए तो लीनियर के अंदर मतलब यह है कि एक लाइन के ऊपर जो डेटा स्टोर हो यानी कि वन डायमेंशन डेटा यहां से सीधा एक साइड पे जाने वाला यानी कि एक लाइन का डेटा जैसे बच्चों के स्कूल की लाइन बनाई जाती है ना वो वाला डेटा तो उसको बोला जाता है लीनियर लीनियर के अंदर स्टैटिक है अगर डेटा एक दफा खड़ा हुआ है एक जगह पे जितना डेटा है उतना ही रहे इसको बोला जाता है लीनियर स्टैटिक डेटा ठीक है और अगर वो डेटा डायनामिक यानी कि मूव कर रहा हो एक या दोनों साइडों पे उसको बोला जाता है डायनामिक लीनियर नॉन प्रेमेटिव डेटा टाइप ठीक है नॉन प्रेमेटिव लीनियर एंड डायनामिक होगी एक लाइन ही एक है स्टैटिक एक है मूवेबल ठीक है यहां की आपको समझ आ गई अब इसमें सबसे पहले जो स्टैटिक की टाइप है दैट इज कॉल्ड अरे ठीक है ये वो कराची वाला अरे नहीं है अरे ये वो वाला अरे नहीं है दिस इज डिफरेंट काइंड ऑफ एरे इसको हम एरे बोलते हैं बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा टाइप है खास तौर पे डेटा साइंटिस्ट के लिए एरे बोला जाता है ये एक डायमेंशन में भी होती है यानी कि सीधी इस तरीके से ये टू डायमेंशन में भी होती है यानी कि जैसे आप एक एक्सेल की शीट होती है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस में रोज वर्सिस कॉलम और थ्री डायमेंशन भी होती है जैसे एक बॉक्स होता है वो बॉक्स नहीं होता है जिसके कलर चेंज कर देते हैं उसको रोबिस्को क्यूब बोलते हैं रूबिक्स क्यूब ऐसे करके कुछ उसका नाम है सो दैट वुड बी थ्री डायमेंशनल अरे बट स्टिल एरे क्या होती है बड़ी गौर से देखिएगा एन एरे इज अ कोलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स स्टोर्ड इन कंटिग्यूस मेमोरी लोकेशन ठीक है कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स हैं जो मेमोरी की किसी एक ऐसी जगह पे स्टोर होते हैं जहां पे वो इकट्ठे बैठ जाते हैं ठीक है अरे कैन होल्ड मल्टीपल आइटम्स ऑफ द सेम टाइप एक ही किस्म के मल्टीपल आइटम्स को अरे जो है वो होल्ड कर सकती है बट दे हैव अ फिक्सड साइज वंस डिक्लेयर्ड ठीक है क्योंकि ये स्टैटिक है ये कभी भी चेंजेबल नहीं होगी मतलब फिक्स्ड साइज साइज का मतलब अगर दस लोग एक अरे में आ सकते हैं दस ही आएंगे ठीक है इससे ज्यादा नहीं आएंगे अब इसकी एग्जाम्पल्स मैं आपको बड़ी कमाल कमाल देने वाला हूँ जरा गौर से देखिएगा आपको अरे की समझ आ जाएगी अरे इस तरीके से अरे हम इस तरीके से डिक्लेयर करते हैं ऑफ कोर्स ये बेसिकली एन एरे ऑफ इंटीजर्स इन पाइथन ये इस तरीके से है आप अगर गौर करें तो ये लिस्ट भी आप इसको कंसिडर कर सकते हैं लेकिन वन डिमेंशनल अरे को ही लिस्ट कहा जाता है बेसिकली तो आप देखें टेन ट्वेंटी थर्टी एंड फोर्टी दिस इज एन अरे इन पाइथन लेकिन रियल लाइफ की एग्जाम्पल आपको दिखाऊं मैं ये यहां पे डोनेट्स की अरे है ठीक है ये इस साइड पे अरे है ये इस साइड पे है आप यहां पे देखेंगे तो ये भी अरे है इसी तरीके से अगर आप मिठाई का डब्बा देखें तो बर्फी के अलग से अरे है ये हमारे पास गजरेला है उसकी अलग से अरे है पतीसा पड़ा है उसकी अलग से अरे है और हमारे पास कलाकंद या डिफरेंट किस्म के मेसू वगैरह पड़े हैं ये उनकी अलग से अरे है ठीक है अरे का मतलब है छ ही आने हैं एक ही लाइन में आने हैं ये चेंजेबल नहीं है साइज एंड हेयर इट कोर्स समथिंग लाइक दिस ये अरेज हैं अरेज ऑफ डिफरेंट थिंग्स अब आगे बात करते हैं ये होती है सिंगल डायमेंशन अरे ये सिंगल डायमेंशनल है वन डायमेंशनल अरे यानी कि एक जगह से स्टार्ट हुई और यहां पे एंड होगी कितने इसमें हैं एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस दस पॉइंट वैल्यूज इसके अंदर आ सकती हैं दिस इज कॉल्ड सिंगल डिमेंशनल या वन डायमेंशनल अरे एंड ये है टू डिमेंशनल अरे इसमें एक साइड ये वाली है और दूसरी ऊपर से नीचे है ठीक है यानी कि रो एंड कॉलम और अक्सर औकात आपका टू डायमेंशनल डेटा होता है कौन सा जो एक्सेल की शीट के अंदर होता है अब वन टू थ्री वन टू थ्री ये थ्री बाई थ्री की एरे है आपके पास ठीक है तीन ऐसे तीन ऐसे तो टोटल कितने डिब्बे हो गए हमारे पास नौ तो ये होता है बेसिकली आपका टू डायमेंशनल अरे एक इस साइड पे एक इस साइड पे ठीक है अब ये अरे की एग्जांपल आपको समझ आ गई कुछ और एग्जांपल लेते हैं अरे की ठीक है अरेज जो है बेसिकली काफी जगहों में पाई जाती हैं. जैसे स्कूल के बच्चों की एक लाइन लग जाए तो वो जो है वो भी एक एरे है ठीक है और उनको अगर हम कहें कि असेंबली में पाक सर जमीन शादा जो है हमारा तराना स्टार्ट हो गया एंड यू डोंट नीड टू मूव वो स्टैटिक रहे दैट इज कॉल्ड अरे ठीक है अब अगर हम बात करें सेब की या टमाटर या कोई भी सब्जी या फ्रूट अगर हम ऐसे लगाते हैं एक लाइन के अंदर दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एन एरे एरे का मतलब है कलेक्शन ऑफ आइटम जो एक जगह पे स्टैटिक पड़ी रहे और उनका फिक्स्ड साइज हो के इतने ही सेब आ सकते हैं ठीक है एंड दिस इज ऑल यू कैन सी अब ये जो हम शर्टें लगाते हैं किसी भी हैंगर पे दिस इज ऑल्सो एन अरे ब्लू शर्ट रेड शर्ट शर्ट्स डिफरेंट है लेकिन हैंगर्स जो हैं वो पूरी की पूरी एक अरे के ऊपर हमने लगा दिए हुए हैं दिस इज ऑल्सो ए वन डायमेंशनल अरे दिस इज हाउ यू कैन सी के अरेज क्या होती हैं चलें थोड़ा सा और डिटेल में आपको बताता हूँ कि अरे किस तरीके से फाइंड आउट की जाती हैं या कैसी होती हैं फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास वन डायमेंशनल अरे और ये जीरो एक्सेस पे है यानी कि रोज के ऊपर है जीरो का मतलब है ऐसे सीधी लाइन यानी कि जो आपकी आंख के बराबर सीधी सीधी लाइन चली जाए यानी कि यहां से स्टार्ट हुई और सीधी लाइन चली गई दिस इज एक्स एस जीरो इसकी शेप है फोर फोर का मतलब है एक दो तीन चार खाने इसके अंदर। इस इस साइज एन अरे चार वैल्यूज आ सकती हैं इसके अंदर ठीक है और अगर इसको हम देखें तो इसको शेप भी बोला जाता है पाइथन की लैंग्वेज के अंदर चार वैल्यूज है इसके अंदर फोर कॉमा क्योंकि कॉलम नहीं है हमारे पास सिर्फ रोज हैं तो चार हमारे पास सॉरी चार हमारे पास रोज हैं और रोज़ कह रहा हूँ चार हमारे पास डिब्बे हैं इस वजह से हम इसको एक्सेस जीरो पर हम कहेंगे कि चार की वैल्यू आ गई है ठीक है अब अगर हम यहाँ पर बात करें यहाँ पर चेक कीजिएगा अब हमारे पास टू डी एरे आ गई टू डी अरे जब होती है हमारे पास यहाँ पर हम एक्सेस जीरो जो है ऊपर से नीचे आता है और एक्सेस वन लेफ्ट टू राइट जाता है अब ये जीरो एक्सेस जो वन डी एरे का है वो जीरो ही रहेगा

सेकेंड एक्सिस भी है यानी कि फोर बाई थ्री बाई टू चार तीन बार बारह बारह दो बार चौबीस ये टोटल हमारे पास चौबीस खाने हैं जिसके अंदर हम चौबीस वैल्यूज को फिट कर सकते हैं यहां पे दो तीन बार छह वैल्यू सिर्फ यहां चार वैल्यू सिर्फ सो दिस इज हाउ द कंसेप्ट ऑफ एरे वर्क यहीं पे वीडियो को पॉज करें या वीडियो को चलते भी रहने दें प्लीज लुक इन टू इट वेरी केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द एक्सिस जीरो और वन कैसे चल रहे हैं और एक और चीज एड यहां पे देखें कि आपके पास वन डायमेंशनल टू डायमेंशनल एंड थ्री डायमेंशनल अरे क्या होती है ठीक है अब अगर आप इसको गौर से देख रहे होंगे यू विल अंडरस्टैंड इन अ मिनट कि कैसे अरेज काम करती है ठीक हो गया जी ओके okay. नेक्स्ट चलते हैं हमने अगली जो लिस्ट हैं वो ऑलरेडी पढ़ चुकी हैं लिस्ट आर लाइक कंटेनर्स दैट होल्ड मल्टीपल आइटम्स इन पाइथन यू कैन पुट एनी थिंग लिस्ट सच एज नंबर इवन अदर लिस्ट ठीक है सो so, लिस्ट जो है वो ऑर्डर्ड होती हैं एंड इनके अंदर आप डेटा जो है वो कीप रिलेटेड डेटा टुगेदर एंड एक्सेस इट इजीली रिलेटेड डेटा इजीली हम एक्सेस कर पाते हैं पिछले लेक्चर्स के अंदर मैंने आपको लिस्ट बड़ी आ, बड़े ही आ, जो कहते हैं वो आसानी के साथ समझाई हुई हैं सो यू नो कि ये होती हैं लिस्ट लिस्ट बेसिकली क्या होती है आपके पास स्टोर करने के लिए डेटा या डेटा को रिट्रीव करने के लिए भी आप उसे यूज़ कर सकते हैं एंड लिस्ट जो है अगर आप यहाँ पे गौर करें ये डाइनामिक कलेक्शन ऑफ आइटम्स है और ये एन अनऑर्डर्ड म्यूटेबल कलेक्शन ऑफ वेरियस आइटम्स होती है ठीक है और लिस्ट हमने बना के भी देखी है पिछले लेक्चर में तो मैं अब आगे चलता हूँ दूसरी टाइप पे विच इज़ डिक्शनरी डिक्शनरी वर्क लाइक रियल लाइफ डिक्शनरीज जैसे होती है ना वेयर वर्ड्स आर कनेक्टेड टू देयर मीनिंग्स फॉर एग्जाम्पल डिक्शनरी का एक मतलब है फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूँ कि वट इज़ योर नेम नेम जो है वो एक बेसिकली एक वर्ड है जिसके साथ उसका एक मतलब छुपा हुआ है कि आपका नाम क्या है नाम नेम उसके साथ मतलब क्या है कि सम समथिंग हैज सम काइंड ऑफ आइडेंटिटी उसको हम नेम बोलते हैं जैसे मेरा नाम अमार है नेम एंड देन इसकी वैल्यू आ जाएगी अमार इसी तरीके से डिक्शनरी इज रियल लाइफ डिक्शनरी की तरह चलती है और आपकी एक की होती है एक वैल्यू होती है ठीक है इन पाइथन ने डिक्शनरी एसोसिएट्स की विद वैल्यू दिस अलाउज यू टू क्विकली फाइंड अ वैल्यू यूजिंग इट्स क्रॉसपॉन्डिंग की ठीक है जैसे आपको पता है कि जब हम डिक्शनरीज बनाते हैं देन एट दैट टाइम वी कीप इन माइंड कि हमारी जो डिक्शनरीज हैं वो इस तरीके से हमारे पास स्टोर हों देट वी कैन थिंक ऑफ समथिंग आउट ऑफ इट कि हमारे पास जो डिक्शनरी है वो किस तरीके से काम करती है और इसके अंदर की क्या है एंड वैल्यूज कौन कौन सी हैं ठीक है सो so, हमारे पास कीज एंड वैल्यूज जो हैं वो डिक्शनरीज के अंदर इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं एंड दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डिक्शनरीज ठीक है एंड दिस इज एन एग्जांपल ऑफ आपके जो हैं वो ट्रुपल uh, और ये है जी हमारे पास सेट ठीक है अब देखें हमने लिस्ट देखी थी कुछ इस तरीके से लिस्ट बनती है और अगर आप गौर करें ये वन डायमेंशनल अरे जो है वो एक लिस्ट ही होती है लेकिन ये वन डायमेंशन का फिक्स साइज होता है अरेज का देन वी हैव टूपल ट्रुपल के अंदर आप यूज करते हैं देन यू हैव डिक्शनरी डिक्शनरी के अंदर एक ही है एक वैल्यू है ठीक है एंड देन यू हैव सेट्स सेट्स क्या होते हैं आप बेसिकली करली ब्रेसिस के अंदर कोई भी वैल्यू को एड करते जाए तो ये वो सेट बन जाते हैं देन यू हैव नन टाइप एंड एट द एंड यू हैव कॉम्प्लेक्स नंबर्स ठीक है ये हमने पिछले लेक्चर्स में भी पढ़ लिया है दिस इज जस्ट टू शो यू कि आप किस तरीके से इन चीजों को देख पा देंगे और कैसे ये काम करती है ठीक है अब आपके सामने आ गया होगा कि किस तरीके से ये जो डेटा स्ट्रक्चर्स हैं हमारी ये काम कर रही हैं और डेटा स्ट्रक्चर्स होते क्या हैं अब हमारे पास लिस्ट हमने देख ली डिक्शनरी देख ली हमने सेट देख लिए हम अब देखते हैं स्टैक्स स्टैक्स क्या होते हैं ये बेसिकली एक आप स्टैक को ऐसे समझें कि इमेजन स्टैक जो है वो एक प्लेट की तरह है ठीक है जैसे एक प्लेट रखी हमने उसके ऊपर दूसरी प्लेट रखी उसके ऊपर तीसरी प्लेट रखी उसके ऊपर चौथी प्लेट रखी उसके ऊपर मल्टीपल प्लेट्स रख दी तो प्लेट्स का स्टैक बन गया स्टैक होता है प्लेट्स को स्टैक करना ऊपर ऊपर से ऊपर 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 रखते जाना प्लेट्स इतनी ज्यादा हो गई हमारे पास एक स्टैक उसका बन गया अब यू कैन ओनली एड और रिमूव प्लेट्स फ्रॉम द टॉप ठीक है आप स्टैक्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ टॉप से कोई ना कोई चीज रिमूव कर सकते हैं इन प्रोग्रामिंग ए स्टैक फॉलोज द लास्ट इन फर्स्ट आउट ठीक है लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल ठीक है द लास्ट आइटम एडेड इज द फर्स्ट वन रिमूव समझ रही बात की अब पाइथन के अंदर स्टैक कैसे बनता है जैसे आपने एक स्टैक बनाया प्लेटों का ठीक है जब आप लास्ट आइटम ऐड करेंगे फर्स्ट वन विल फर्स्ट वन विल बी रिमूव्ड लास्ट आइटम फर्स्ट वन विल बी रिमूव्ड तो जो पिछले का फर्स्ट वन रह जाएगा वो लास्ट के आने से वो निकलता जाएगा ठीक है सो so यूजली क्या होता है आपके पास यहां पर जो रूल चलता है उसको बोलते हैं द लास्ट इन फर्स्ट आउट या लीफोट

के अंदर आपने प्लेट रखी उसके ऊपर दूसरी प्लेट रखी उसके ऊपर तीसरी प्लेट रखी फिर चौथी फिर पाँचवीं फिर छठी फिर सातवीं फिर आठवीं फिर नौवीं फिर दसवीं ठीक है अब आप जो जो प्लेट इस स्टैक में से रिमूव कर सकते हैं वो ही वाली है जो आपने अभी ऐड की है आप कोई और नहीं निकाल सकते ठीक है फर्स्ट वन का मतलब ये है कि जो आपने लास्ट ऐड की है वही आप उठा के निकाल सकते हैं आप कोई और नहीं निकाल सकते अगर आपने ऊपर से कोई प्लेट निकाल ली फिर जो उसके बाद पड़ी आप वही निकाल सकते हैं कोई और नहीं निकाल सकते है? इसको कहते हैं लिफो प्रिंसिपल आई होप आई को डिफाइन दैट टू यू तो अब देखें यहां पे आपको समझ आ रहा है कि द लास्ट लास्ट आइटम जो आपने last add की है इज द फर्स्ट वन टू बी रिमूव वही है जो सबसे पहले हम निकाल सकते हैं और कोई प्लेट बीच में से या नीचे से हम नहीं निकाल सकते इसको बोला जाता है स्टैक अब क्यूज की बात करते हैं विच इज टोटली सिमिलर लेकिन अ बिट ऑफ डिफरेंस इज देयर क्यू इज लीनियर डेटा स्ट्रक्चर दैट फॉलोज द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल ठीक है यहां पे था लास्ट इन फर्स्ट आउट अब यहां पे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल चलता है द फर्स्ट आइटम एडेड इज द फर्स्ट वन टू बी रिमूव जो सबसे पहली आइटम हमने एड की है उसे हम सबसे पहले रिमूव करेंगे ठीक है इसको बोला जाता है क्यू क्यूज आर यूज इन सीनेरियोज लाइक मैनेजिंग टास्क इन प्रिंट क्यू और स्कैजुल प्रोसेस इन एन ऑपरेशन सिस्टम ठीक है क्यूज कैसे होती है फॉर एग्जाम्पल अब जैसे आपके पास कोई ना कोई आप कह सकते हैं कि प्रिंटर आपके पास एक चल रहा है ठीक है और दस लोग उस प्रिंटर को यूज कर रहे हैं आपने जब प्रिंट की कमांड लगाई है आपकी क्यू के अंदर पहला प्रिंट चला गया ठीक है जो दूसरा आएगा वो उसके बाद आएगा फिर तीसरा आएगा फिर उसके बाद फिर चौथा आएगा फिर उसके बाद फिर, फिर पाँचवा आएगा उसके बाद वो लाइन बना के खड़े हो जाएंगे अब जो पहला है ना क्यू के अंदर सबसे पहले उसका प्रिंट बाहर आएगा ऐसा नहीं होगा जो लास्ट वाला है उसका प्रिंट बाहर आ जाए या उस पर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज काम करना स्टार्ट कर दे क्यू का मतलब यह है कि जो पहला है वही उसका काम होगा फिर दूसरे का होगा फिर तीसरे का फिर सो ऑन एंड सो फोर्थ आपका जो पहला ऐड किया गया है दैट विल वर्क फर्स्ट लास्ट वाला नहीं होगा यह नहीं होगा कि कोई लाइन तोड़ के आगे आ जाए और वह कि मेरा काम पहले कर दो मुझे जल्दी है नहीं यू नीड टू बी वेरी केयरफुल कि क्यू के अंदर जो काम जो पहले वाला होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट यानी कि उसी का काम पहले होगा ठीक है स्टैक के अंदर जो लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है वो होता है समझ आ गई दोनों में यहां पर था लास्ट इन फर्स्ट आउट एंड यहाँ पे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल चलता है ठीक है क्यू की आपको समझ आ गई कितार की आपको समझ आ गई लाइन की समझ आ गई जैसे यहाँ पे जब हम जैसे देसी लोग बाहर आ जाते हैं तो हर जगह लाइनें बना के खड़े होते हैं ताकि हम अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं तो क्यू के अंदर ये क्यू वाली आइटम तब यूज़ होती है जब बारी का इंतजार करवाना हो ठीक है और कोई भी बंदा आगे नहीं आ सकता पाकिस्तान के अंदर हमारे पास लाइन का कंसेप्ट बहुत कम है तो ये मसले मसाइल होते रहते हैं आप इसका बैंक का टोकन सिस्टम भी देख सकते हैं क्यूज को हम क्यूज किसी भी कहीं पे भी जो क्यू लगती है वो बेसिकली क्यूज के डेटा की बेस पे ही चलता होता है है जो बैंकिंग का टोकन सिस्टम वो भी इसकी बेस पे चल रहा होता है अब यहाँ पे आपको समझ आ गई होगी स्टैक की स्टैक है जनाब जो लास्ट डाला है ना उसी को हम निकालते हैं ऊपर से स्टैक का मतलब ये है कि जो लास्ट हमने रखा है उसी को हम ऊपर से निकाल लें लास्ट इन फर्स्ट आउट लास्ट इन फर्स्ट आउट लास्ट इन का मतलब है कि सबसे पहले जो ऊपर हमारे पास एक्सेसिबल चीज़ है उसी को हम बाहर निकालेंगे इसकी मिसाल में आपको वो जो प्रिंगल्स आते हैं ना हमारे पास जो चिप्स का एक पैकेट आता है हमारे पास डिब्बा सा होता है और उसके अंदर जितनी चिप्स पड़ी हुई हैं सबसे पहले हम ऊपर वाली ही खाते हैं ठीक है थीके? एक साइड से खोल के हम नीचे से निकाल ही नहीं सकते क्योंकि डिब्बे की शेप ऐसी बनी हुई है ठीक है आप उसकी एग्जाम्पल ले सकते हैं फिर आप एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं जब आप आपके पास फॉर एग्जाम्पल आप बैडमिंटन खेलते हैं और जिसको हम वो चिड़ी बोलते हैं मैं तो पंजाबी में चिड़ी बोलता हूँ वो बैडमिंटन खेलते हो ना वो चिड़ी छिक्का जैसे हम बोलते हैं तो वो चिड़ी होती है उसको पता नहीं क्या बोलते हैं अगर आप चैट में मुझे बता दें या कमेंट सेक्शन के अंदर दैट वुड बी नाइस तो जैसे हम खोल लेते हैं उसको सबसे ऊपर वाली को हम निकालते हैं अगर वो ठीक हो उसे हम वापस रख देते हैं ठीक है चिड़ी छिक्का खेलते हैं वो जब हमारे पास वो पूरे का पूरा एक पैकेट होता है उसके अंदर से हम ऊपर से वो डिब्बा खोलते हैं सबसे ऊपर वाली चिड़ी निकालते हैं उसके साथ खेलते हैं आई एम नोट श्योर उसे क्या कहा जाता है आप मुझे ज़रूर बताइएगा मेरे नॉलेज में भी इजाफा होगा एंड हम जब अगर वो सही होते हैं उसे वापस रख देते हैं फिर उसे निकाल के उससे खेलते हैं फिर सही होते उसे वापस रख देते हैं अंटी लननेस उसकी लाइफ टाइम ख़त्म हो जाए मतलब उसको हम फिर फेंक देते हैं फिर अगली को यूज़ करके वापस रखते जाते हैं और उसे फेंक देते हैं फिर अगले को फिर अगले को यही आपका टेबल टेनिस के अंदर भी अक्सर कहा चलता है अगर आपके पास वो टेनिस वाली बॉल और नॉट टेबल टेनिस अदर टेनिस बॉल आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं एंड देर आर मेनी अदर थिंग्स जहाँ पर इनकी एग्जाम्पल्स जो है हमारी फिट बैठती हैं यहां पे अगर आप गौर करें फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब यह है कि क्यू के अंदर जो सबसे पहले आया वो चलेगा बाकी पीछे लाइन जितनी मर्जी बनती जाए दे हैव टू वेट ठीक है सो so, ये स्टैक्स एंड क्यूज की ये वाली आपको समझ आ गई होगी अब आगे चलते हैं अब हमारे पास जो अगली डेटा uh, स्ट्रक्चर है दैट इज ट्रीज ट्रीज क्या होते हैं ये बेसिकली हारेरिकल डेटा स्ट्रक्चर होती है दैट कंसिस्ट ऑफ नोट वेयर ईच नोड हैज द एट मोस्ट टू चिल्ड्रन ठीक है रेफर टू द लेफ्ट चाइल्ड एंड द राइट साइड अब ट्रीज को और भी अच्छे तरीके से हम समझते हैं ये है जी ट्री की डेटा स्ट्रक्चर और मैंने ये इमेज लिया गीक्स ये इमेज इमेज है की वेबसाइट से थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग दैट एंड पे ट्रीज हैं ठीक है? और इनकी तीन टाइप हैं बाइनरी ट्री होता है टर्नरी ट्री होता है एंड एन री ट्री होता है ठीक है एन रे ठीक है एन मतलब बाइनरी का मतलब कि दो नोड चलेंगे हर ट्री में से टर्नरी का मतलब है कि तीन नोड चलेंगे हर में से सेपरेट और एनआर का मतलब है कभी एक कभी दो कभी तीन कभी चार जितने भी मर्जी चल सकते हैं एंड यू हैव टू डिफाइन दैट नंबर ठीक है तो ये हमारे पास ट्रीज होते हैं ट्रीज क्या है कि हमारे पास सौ रुपया है ठीक है उसमें से मैंने कुछ खर्चा हाँ होगा तो मैं लेफ्ट साइड पे आ जाऊंगा नहीं खर्चा तो राइट right साइड पे चला गया खर्चा है तो कहां खर्चा है कुछ खाया है तो और आगे चला गया नहीं खाया तो कुछ और आगे चला गया ठीक है सेव किया है बैंक में सेव किया है कि घर सेव किया है सो दीज काइंड ऑफ ट्री स्ट्रक्चर जो हम डेटा स्टोर करने के लिए यूज करते हैं दीज आर कॉल्ड ट्रीज टर्नरी में तीन तीन कंडीशन हो जाएंगी एनरी में आगे भी हमारे पास कंडीशन हो जाएंगी और ट्रीज की स्ट्रक्चर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है मशीन लर्निंग के अंदर इफ एल्स की कंडीशन लगा के हम यूज करते हैं जो आने वाले लेक्चर्स में आप अंडरस्टैंड करेंगे देन वी हैव लिंक्ड लिंक्ड लिस्ट लिस्ट बहुत ही आसान है आपको समझ आ जाएगी इजीली लिंक्ड लिस्ट्स आर लिस्ट एक्चुअली लेकिन दीज आर हेल्पफुल वेन यू नीड डायनामिक स्टोरेज दैट कैन ग्रो और श्रिंक इजिली अब आपको पता है कि जो हमने डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट में पढ़ी हैं ठीक है उनके अंदर हमारे पास था जो लीनियर स्टैटिक एंड डायनामिक स्टैटिक हमने पढ़ ली अरे जिसके अंदर बाकी चीजें भी पढ़ी अब हमने ट्रीज भी पढ़ लिया जिसमें नॉन लीनियर थी हमारे पास अब हम पढ़ते हैं डायनामिक स्ट्रक्चर जिसमें लिंक लिस्ट है स्टैक एंड क्यू हमने पढ़ लिया लिंक लिस्ट को हम देखते हैं लिंक्ड लिस्ट जो है हमारे पास ये बेसिकली बहुत आसान है जो इजीली श्रिंक भी कर सकती है और ग्रो भी कर सकती है डायनामिक स्टोरेज है यानी कि कुछ निकाल लेंगे कुछ रख लेंगे अनलाइक अरेज विच है फिक्स साइज ड लिस्ट कैन बी मॉडिफाइड विदाउट रीअलोकेटिंग मेमोरी ठीक है आप इन्हें मॉडिफाई कर सकते हैं एरे का साइज हम मोडिफाई नहीं कर सकते यहां पर हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं एंड दे आर ऑफन यूज इन इंप्लीमेंटिंग डेटा स्ट्रक्चर लाइक स्टैक्स एंड क्यूज क्यूज और स्टैक्स के अंदर लिंक् लिस्ट यूज होती हैं एंड एज द फाउंडेशन फॉर मोर कम्पलेक्स स्ट्रक्चर्स लाइक ग्राफ्स जो आने वाले अभी मैं आपको बताता हूँ ठीक है सो so आपके पास लिंक लिस्ट है ठीक है ये डेटा स्ट्रक्चर है इसका एक हेड होता है और एंड पे इसके पास अगर कोई वैल्यू ना हो उसे नल कह देते हैं एंड हमारे पास ये डेटा होता है और इससे डेटा से आगे नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास आ रही होती है सो हेड डेटा एंड नेक्स्ट वैल्यू चलती होती है ठीक है सो आप अगर यहाँ पे कोई चीज निकालना चाहें कुछ रिमूव करना चाहें यू कैन डू इट ईजिली और इसका साइज छोटा या बड़ा कर सकते हैं इससे क्या होता है ये श्रिंक भी हो सकती है और ग्रो भी हो सकती है दोनों साइडों पर लेकिन ये अपने कॉन्टेक्स्ट को मेन्टेन रखती है लिंक लिस्ट अपने कॉन्टेक्स को मेनटेन रखती है एंड ये ऑफन यूज होती है बेस्ड ऑन द थिंग्स जो हमने यहाँ पे पढ़ी है स्टैक्स एंड क्यू के अंदर ठीक है क्यू के अंदर हमारे पास जो है वो दोनों साइडों से होगी और स्टैक्स के अंदर सिर्फ एक साइड से हमारी लिंक लिस्ट होगी यानी कि ऊपर से हम लिंक ले सकते हैं नीचे से नहीं निकाल सकते क्यू के अंदर पीछे से भी और आगे से भी दोनों चीज़ों दोनों साइडों से हम उसे क्यू को जो है वो मॉडिफाई कर सकते हैं क्योंकि अगर कोई बंदा पीछे क्यू में आके लग जाता है दैट्स द दैट ऑल्सो अनदर काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन और आगे से अगर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हो रहा है सो दैट वुड बी अनदर मॉडिफिकेशन सो ये टू साइडेड मॉडिफिकेशन है यहाँ से सिर्फ एक साइड की मोडिफिकेशन होगी ठीक है सो हमारे so पास लिंक लिस्ट जो है वो इस तरीके से काम करती है अब हमारे पास अगर आप चेक करें एक और डेटा स्ट्रक्चर है जिसका नाम है हीप क्यू हीपक्यू क्यू इज एक्चुअली लाइक अ स्पेशल टाइप ऑफ लिस्ट वेयर द एलिमेंट्स आर अरेजड इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर दैट मेक्स इट ईजी टू फाइंड द स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट एलिमेंट क्विकली ठीक है ये बहुत आसान है ढेर लगा दो आप चीज़ों का ठीक है और दूर से नजर आ जाए कि जो दस दस वाले हैं वो यहाँ पे पड़े हैं पंद्रह पंद्रह वाले वहाँ पे हैं तीस वाले इस साइड पे हैं चालीस पचास वाले इस साइड पे हैं ये इसी तरीके से है कि आप क्या करते हैं तरबूजों का एक ढेर लगा हुआ है सबसे बड़े तरबूज सबसे नीचे रखे हुए फिर उससे छोटे उससे ऊपर आ गए उससे छोटे उससे ऊपर आ गए उससे छोटे उससे ऊपर आ गए इसको हीप हीप क्यू क्यू बोलते हैं यानी कि ऐसी क्यू जो हीप के थ्रू हो और जो हमें आसानी से सॉर्टिंग करने में हेल्प आउट करे यानी कि छोटे नंबर्स ऊपर से पकड़े जाए बड़े नंबर्स को निकालना है तो वो नीचे से पकड़े जाए सो दिस इज एन एग्जांपल तरबूजों का ढेर अपने माइंड में लेके आए और तरबूज जो बड़े वाले हैं वाटरमेलन जिन्हें बोला जाता है वो सबसे नीचे हैं फिर आहिस्ता जो छोटे वाले ऊपर हो तो इस तरीके से आप देख सकते हैं मिनिमम हीप क्यू भी है यहाँ पे और मैक्सिमम हीप क्यू भी है अगर मिनिमम हीप क्यू की बात करें तो हमारे पास तरबूजों का ढेर है मैक्सिमम हीप क्यू क्या होती है इसमें छोटी चीजें नीचे होती हैं और बड़ी चीजें ऊपर होती हैं यानी कि इसी का उल्ट है मैक्सिमम हीप यानी कि मैक्सिमम वैल्यू ऊपर से निकल जाए ठीक है या आप इसको ऐसे तस्वर कर सकते हैं कि मैक्सिमम से स्टार्ट करके मिनिमम की तरफ जाना और यहां पर मिनिमम हीप का मतलब है कि मिनिमम से स्टार्ट करके मैक्सिमम की तरफ हमने मूव करना है अब हम बात करते हैं जी डेटा स्ट्रक्चर की एक और टाइप जिसका नाम है डबल लिंक्ड लिस्ट जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमारे पास सिंगल लिंक लिस्ट होती है फिर डबल लिंक लिस्ट होती है डबल लिंक का मतलब यह है कि दोनों साइडों से हम इसको मूव कर सकते हैं और दोनों साइडों पर इसका कॉन्टेक्स्ट होता है एक प्री आपका जो है वो कॉन्टेक्स्ट होता है एक नेक्स्ट नेक्स कॉन्टेक्स या कनेक्शन होता है तो आप क्या करते हैं हेड से एक साइड पे भी मूव कर सकते हैं और हेड से दूसरी साइड पे भी इसकी एक बहुत ही अच्छी एग्जांपल मैंने आपको दी थी जो हमारे पास यहाँ पे ये चल रही है ठीक है इसको हम बोलते हैं डबल लिंक लिस्ट पीछे से भी लिंक हो रहा है और उसका आगे से से भी और और पीछे से अगर कोई बंदा आ रहा है और उसको भी हम मॉडिफाई कर सकते हैं और आगे से भी कर सकते हैं लेकिन जरूरी यह नहीं है कि पीछे वाले बंदे का काम पहले होगा पीछे वाले बंदे का मतलब यह है कि वो अपनी मर्जी से छोड़ के जा सकता है इस क्यू को इफ दैट पर्सन वॉन्ट तो ये हमारे पास डबली लिंक लिस्ट हो जाएगी ठीक है डबली इसे क्यों बोला जाता है बबली ना कीजिएगा इसे Uh, बाजूबली हर एक रिश्तेदारों के अंदर बाजू बबली एक जरूर होती है अगर आपके भी बाजू बबली है कोई फैमिली के अंदर तो प्लीज राइट डाउन इन द चैट क्योंकि ये मोस्ट कॉमन नाम है मैंने वहीं से याद किया है डबली लिंक्ड लिस्ट इन इज सिमिलर टू द लिंक्ड लिस्ट बट ईच नोड हैज अ रेफरेंस टू द बोथ टू बोथ द नेक्स्ट एंड द प्रीवियस नोड नोड का मतलब ये है कि यहां से आगे भी इसका कनेक्शन है पीछे भी इसका कनेक्शन है सो फ्रॉम बोथ साइड यू कैन सी द लिस्ट इज लिंक्ड ठीक हो गया जी अब चलते हैं हमारी जो अगली टाइप है विच इज ट्री या ट्राई भी इसे बोल देते हैं अक्सर लोग तो इसको ट्री या ट्राई बोलना है तो ये प्रीफिक्स ट्री है लेकिन ये ट्राई की बेस पे चलता है कैसे हम देखते हैं ट्राई या ट्राई इसको आप बोल सकते हैं इसकी स्पेलिंग कुछ इस तरीके से टी आर आई ई ट्राई भी इसे बोला जाता है ट्री भी बोला जाता है जैसे मैंने पहले बोला क्योंकि ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर है बट वट इज डिफरेंट अ ट्री ट्राई इज अ ट्री लाइक डेटा स्ट्रक्चर दैट इज यूज टू एफिशेंटली स्टोर एंड सर्च अ लार्ज कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग्स समझ आई बात की हम सिर्फ स्ट्रिंग के ऊपर काम करेंगे इस ट्री स्ट्रक्चर में ठीक है ये प्रीफिक्स ट्री होता है इट इज ऑफन यूज टू फॉर ऑटो कंप्लीशन या ऑटो कंप्लीट के टास्क करने के लिए एंड इन डिक्शनरी इंप्लीमेंटेशन यानी कि जब आपको टेक्स्ट लिख रहे होते हैं ऑटो कंप्लीशन जो आती है वो बेसिकली इसकी बेस पे आती है ठीक है दिस इज कॉल्ड ट्री एंड ये ट्री जो है प्रीफिक्स ट्री ऑफ स्ट्रिंग्स इज एक्चुअली कॉल्ड एज ट्राई च इज अ डेटा स्ट्रक्चर यूज इन ऑटो कॉम्प्लेशन ठीक है सो ट्राई भी से बोला जाता है इसकी करेक्ट प्रोनाशिएशन जो है बाकी कुछ लोग इसे प्रीफिक्स भी कहते हैं सो यू कैन यूज बोथ वर्ड अब हम चलते हैं जी ग्राफ की तरफ देन आई थिंक इट विल बी इजियर फॉर यू नेटवर्किंग जब आप करते हैं किसी से फॉर एग्जाम्पल ये ग्रीन वाले ब्लू से भी, blue से भी मिल रहे हैं ब्रू वाले फ्लां से भी मिल रहे हैं फ्लां वाले उसके साथ भी मिल रहे हैं यानी कि हर एक डेटा पॉइंट दूसरे के साथ कनेक्टेड हो इसको बोला जाता है ग्राफ अ ग्राफ इज अ कलेक्शन ऑफ नोट्स जिसे हम वर्डसिस बोलते हैं नोड्स होते हैं किसी भी एक एक पॉइंट का सिरा ठीक है यहाँ पे ये वाला सिरा है यहाँ पे ये वाला सिरा है और उस जगह पे हम नोड बोलते हैं जहाँ से दो चीज़ें आपस में आगे निकल रही होती हैं जैसे ट्री में था ये रूट नोड है इससे आगे ये नोड्स निकल रहे हैं और ये एंड पे हमारे पास लीफ नोड है रूट नोड का मतलब आप एक दरख्त से लें एक दरख्त का तना है ठीक है ये रूट से स्टार्ट हो रहा है ये बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है ये तना है ठीक है तने के एंड पे पत्ते हैं ठीक है ब्रांचेस निकलने के बाद यहां पे पत्ते हैं इसे लीफ नोड बोला जाता है इसे रूट नोड बोला जाता है अब अगर आप गौर करें यहां पे अ ग्राफ इज अ कलेक्शन ऑफ नोड्स जिसे हम वर्टिसेस भी बोल देते हैं अक्सर का जब हम ग्राफ की बात करते हैं एंड एजेस एजेस क्या हैं वो जो ब्रांचें जो शाखें उनको जोड़ रही हैं एजेस किनारे जिन किनारों के ऊपर वो नोड्स बैठे हुए हैं दैट कनेक्ट पेयर ऑफ नोड्स ठीक है जो दो पेयर ऑफ नोड्स को यानी कि दो नोड्स को आपस में जोड़ें इसको बोलते हैं ग्राफ अ कलेक्शन ऑफ नोट्स जिसमें काफ़ी ज़्यादा नोट्स ऑन समथिंग लाइक दिस और वो आपस में एक दूसरे को जोड़ रहे हैं ग्राफ्स आर वाइडली यूज टू रिप्रेजेंट नेटवर्क और रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट्स अब आपको भी पता है जब आप नेटवर्किंग में जाते हैं तो आप इस तरह के से ग्राफ बनाते हैं और ये ग्राफ्स की डेटा स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा जगहों पर यूज़ हो रही है खासतौर पर जो रिसर्चर्स बड़ी बड़ी कोलेबोरेशन कर रहे हैं वो ऐसे डायग्राम्स को शो करते हैं कि हमारा कनेक्शन फलान जगह पे भी है फलान जगह पे भी है जगह पे भी है ठीक है हम सेंट्रली लोकेटेड हैं या आप ये देख लेते हैं कि अगर ग्रिड लाइक स्ट्रक्चर का डेटा हमने स्टोर करने से फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में बिजली के मीटर कहाँ कहाँ पे कितने कितने यूनिट ले रहे हैं तो आप इस तरीके से ग्राफ की जो शेप है वो बना सकते हैं ठीक है एंड यू कैन आल्सो स्टोर डेटा इन ग्राफ स्ट्रक्चर ठीक हो गया जी तो ये हमारे पास कुछ डेटा स्ट्रक्चर है प्रेमेटिव नॉन प्रेमेटिव प्रेमेटिव में सिंगल करेक्टर्स की बेस पर होता है सारा कुछ नॉन प्रेमेटिव में आप कलेक्शन या मल्टीपल आपके पास जो डेटा स्ट्रक्चर्स होती हैं लीनियर एंड नॉन लीनियर है लीनियर का मतलब है एक ही लाइन में जो हो जैसे अरे है लिंक लिस्ट है स्टैक है क्यू है और हमारे पास जो है वो डबली लिंक लिस्ट भी आ जाती है वो लिंक लिस्ट की टाइप ही है ठीक है नॉन लिनियर में हमारे पास ट्री एंड ग्राफ आ जाता है तो ये हमने सारी की सारी डेटा स्ट्रक्चर टाइप पढ़ी है एंड आई एम होपफुल कि आपको डेटा स्ट्रक्चर की समझ आ गई होगी अगर आपको समझ आ गई या दैट्स ए गुड थिंग नहीं आई तो प्लीज़ 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 प्लीज इस वीडियो को दोबारा जरूर देखें नोट्स बनाएं अपने ताकि आपको चीज़ें समझ आएं अदरवाइज इट कुड मेक अ प्रॉब्लम फॉर यू इन फ्यूचर आपको डेटा स्ट्रक्चर्स अगर समझ नहीं आती तो डेटा कैसे समझ आएगा थोड़ा सा अपने आप को टाइम दें सीखें और इसको लिखें फिर समझें फिर सोचें इसके बारे में कि ये किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं सही द नेक्स्ट वन ऑफकोर्स सब्सक्राइब कर दीजिएगा